इस वीडियो में आप सीखेंगे कि हम किस तरह से ऑनलाइन टेस्ट जो कि गूगल फॉर्म की हेल्प से बनाया है उस पे टाइमर लगा सकते हैं। टाइमर का मींस कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद स्टूडेंट अगर टेस्ट देता है या रिस्पॉन्स करता है या सबमिट करता है तो उसका रिस्पॉन्स आप तक नहीं पहुंचेगा। सो उसके लिए पहला स्टेप है आपको जीमेल खोलना है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, मैंने ऑलरेडी ब्राउज़र ओपन कर रखा है gmail.com। ब्राउज़र में टाइप करने पे ये इस तरह से एक विंडो खुलेगा, आपको साइन इन पे जाना है। सो मैंने ऑलरेडी फॉर्म बना रखा है इस मेल आईडी पे, तो मैं मेल आईडी ओपन कर लेता हूँ। सो जीमेल ओपन करने के बाद आपको गूगल ऐप्स पे जाना है और उसके बाद डॉक्स, डॉक्स में से आप ये थ्री हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म्स पे क्लिक करेंगे तो गूगल फॉर्म्स वाला पेज खुल जाएगा। ये देखिए नीचे ये मैंने फॉर्म ऑलरेडी बना रखा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको इसके बारे में बताया था कि किस तरह से हम एक गूगल फॉर्म बना सकते हैं। सो मैं इस फॉर्म को अभी ओपन कर लेता हूँ। सो ये फॉर्म था, एक स्मॉल टेस्ट था ऑनलाइन जिसको गूगल फॉर्म की हेल्प से बनाया गया था। तो अभी मुझे इस फॉर्म पे टाइमर लगाना है, इस क्विज पे टाइमर लगाना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे सेंड के जस्ट बाद में ये तीन डॉट्स हैं, यहाँ क्लिक करिए और यहाँ पे ऑप्शन है एड ऑन्स। एड ऑन्स पे क्लिक करने पे कुछ ऑप्शंस आएंगे, इसमें से आपको चूज करना है फॉर्म लिमिटर। अगर यहाँ पे ना दिखे तो आप यहाँ से फॉर्म लिमिटर सर्च भी कर सकते हैं। सो क्लिक करिए इस पे। अब इस फॉर्म लिमिटर को इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो इंस्टॉल पे क्लिक करिए, क्लिक कंटिन्यू। गूगल आपसे परमिशन मांगेगा, आप उस मेल आईडी पे क्लिक कर दें जिससे कि आपने लॉगिन करा है और जिसमें गूगल फॉर्म या ऑनलाइन टेस्ट तैयार किया है। सो उसके बाद ये कुछ ऑप्शंस हैं, उसके बाद देखिए अलाउ, आप अलाउ पे क्लिक कर दीजिए। अलाउ करने से ये जो फॉर्म लिमिटर है ये इंस्टॉल हो जाएगा। डन पे क्लिक कर दीजिए, इट मींस कि ये अभी इंस्टॉल हो चुका है और ये आप इसको क्लोज कर दें, इसको यहाँ से क्लोज कर दें। तो अभी दोबारा से मैं अपने फ़ोन पे पहुँच गया। अब सपोज, अब ये देखिए यहाँ पे ऐड ऑन का आइकन आ चुका है, आप ऐड ऑन पे क्लिक करिए, इसमें फॉर्म लिमिटर आपको दिख जाएगा। फॉर्म लिमिटर पे क्लिक करिए, सेट लिमिट, सेट लिमिट पे क्लिक करने पे ये फॉर्म लिमिटर का एक बॉक्स साइड पे दिखेगा। लिमिट टाइप, लिमिट टाइप में से आपको चूज करना है डेट एंड टाइम। अब उसके नीचे सेलेक्ट डेट, आपको टेस्ट किस डेट को लेना है। सपोज मुझे टेस्ट लेना है 28th of September, सेलेक्ट टाइम। सो टाइम यहाँ से आप चूज कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मुझे टेस्ट लेना है सुबह 9 बजे। और टाइम सपोज मैंने चूज कर दिया है 9:35। तो इसका मतलब ये है कि जब आप सेट करेंगे तो 9:35 तक स्टूडेंट जो है वो अपने रिस्पॉन्स सबमिट कर पाएगा। उसके बाद अगर वो सबमिट करने की कोशिश करेगा तो उसका रिस्पॉन्स, उसके आंसर्स आप तक नहीं पहुंचेंगे। तो एक तरह से मैंने लिमिट लगा दिया कि
28 सितंबर 2020 को 9:35 से पहले पहले स्टूडेंट को अपने रिस्पॉन्स आपको भेजने हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपनी क्विज़ का लिंक थोड़ा पहले डालना पड़ेगा। जैसे 30 मिनट्स का पेपर है तो आप 9:00 या 9:05 पे अपना पेपर आप पोस्ट कर दें, लिंक सेंड कर दें, और पेपर को स्टार्ट करने के बाद एग्जैक्टली 9:35 पे रिस्पॉन्स लेना, गूगल फॉर्म बंद कर देगा।